स्वागत है आपका पिक्सेल वेक्टर ग्राफिक्स में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और गिम्प के टिप्स एंड ट्रिक्स की एक और वीडियो लेकर फिर से मैं आ गया हूं। और गिम्प में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, कलर पैलेट्स। गिम्प में बहुत सारे कलर पैलेट्स आपको बने बनाए मिलते हैं, उनको यूज करना सीखेंगे, अपना कलर पैलेट भी बनाएंगे, अपना कलर का ग्रुप बनाकर गिम्प में किस तरह से सेव करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। कलर पैलेट और कलर का पैनल आपको राइट साइड में मिलता है, कलर पैनल भी कह सकते हो, कलर डॉकर भी कह सकते हो। कहाँ मिलेगा उसके लिए हम जाएंगे विंडोज, डॉकेबल डायलॉग्स, यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलता है कलर्स का पैनल भी। थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है पैलेट। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा दूं कलर का। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये पैनल जो है राइट साइड में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ टेम्परेली कलर पैलेट्स मिलते हैं। अगर आप फोटोशॉप यूज करते हो, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, तो उसमें पैलेट नहीं कहा जाता, उसमें स्वाचेस कहा जाता है। यहाँ पे पैलेट कहा जाता है, तो मैं इनको पैलेट ही कह रहा हूँ। ये टेम्परेली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कुछ भी कलर यहाँ पे बनाते हो वो टेम्परेली सेव होता रहता है। ठीक है, पुराने वाले अपने आप हटते जाते हैं, नए वाले अपने आप सेव होते रहते हैं, वो टेम्परेली रहते हैं, कुछ दिनों बाद फिर वो भी हट जाएंगे। ठीक है, हमेशा के लिए अगर आपने सेव करना है तो आप यूज करेंगे पैलेट्स। ठीक है, अब देखिए पैलेट्स यूज क्यों करें, हो सकता है आप बिगिनर हो तो आपको उतना यूजफुल ना लगे, पर आज नहीं तो कल आप प्रोफेशनल भी होंगे, जब प्रोफेशनल होंगे तब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी पैलेट्स की। देखिए पैलेट्स को यूज क्यों करेंगे, देखिए पैलेट्स को इसलिए भी यूज करेंगे क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ डिजाइन बना रहे हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको ये कहे कि आपको यह समझाने के लिए कहे कि ये जो मैं इमेज आपको भेज रहा हूं इस इमेज से मुझे कलर चाहिए मेरे आर्टवर्क में। या हो सकता है कि आपने कहीं कोई इमेज देख लिया हो, उसमें बहुत अच्छा आपको कलर कॉम्बिनेशन लगा हो, तो भी आप यूज कर सकते हो पैलेट्स को। अपना फेवरेट कलर या फिर कलर कॉम्बिनेशन बनाकर, कलर का ग्रुप बनाकर उसमें सेव करके रख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि पैलेट्स अब भी आपको कहाँ मिलेगा, विंडोज, डॉकेबल डायलॉग्स, और यहाँ पे आ जाए तो आपको मिलता है पैलेट्स। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये कलर के ग्रुप है, इनके अंदर आपको कलर मिलेंगे। ठीक है, कलर पैलेट मिलेंगे, तो जहां जिस ग्रुप में जितना कलर है वो उतनी लिखा हुआ, जैसे 41 है, 256 256 256। अगर इसके अंदर जाना है तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर बहुत सारे आपको बने बनाए कलर मिलते हैं। ठीक है, अगर वापस जाना है तो देखिए यहाँ पे आपको मिलता है कलर का भी और यहाँ पे ग्रुप का भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बैक वापस आ गया। अब मुझे दूसरे ग्रुप के अंदर जाना है, लाइक मैं इस ब्लू वाले में जाऊं तो यहाँ पे ब्लू के बहुत सारे शेड आपको मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैं और भी दिखाऊं, बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ जाऊं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिलते हैं। यूज कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको फिल देना है, मैं उससे पहले ये करूंगा कि फाइल में जा रहा हूँ, न्यू में क्लिक कर रहा हूँ और एक कोई भी किसी भी साइज का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। अब मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे कोई कलर मैं फिल दूँ। ठीक है, माउस का कर्सर ले जाएंगे, जो भी कलर आपको पसंद है, जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो वो क्लिक करते ही आपके फोरग्राउंड कलर पे आ जाता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये फोरग्राउंड पे आए, या मैं ये चाहता हूँ कि फोरग्राउंड पे अलग कलर आए और बैकग्राउंड पे दूसरा कलर आए, तो बैकग्राउंड पे कलर लाने के लिए कंट्रोल की प्रेस करते हुए किसी दूसरे कलर पे मैं क्लिक करूंगा तो वो बैकग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे फिल करता है यहाँ पे अपने कैनवस पे या लेयर पे, तो कैसे करेंगे, उसके कई सारे तरीके हैं। देखिए उसके लिए जाएंगे हम एडिट और यहाँ पे आपको मिलता है फिल विद फोरग्राउंड कलर और फिल विद बैकग्राउंड कलर। इसका शॉर्टकट भी है, मैं हमेशा अपने ट्यूटोरियल में बताता रहता हूँ, कंट्रोल कॉमा। तो कंट्रोल कॉमा करेंगे तो ये हो गया जी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं बकेट फिल टूल में, तो बकेट फिल टूल से भी आप कर सकते हो फिल। ठीक है, पहले मैं रीसेट कर दूं, याद रखिए
फोरग्राउंड फिल इसमें सेलेक्ट किया हुआ ना चाहिए, और जो भी कलर आपको चाहिए लाइक मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो देखिए फोरग्राउंड पे आ गया और मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से आ गया। और अगर मुझे बैकग्राउंड पे कलर चाहिए तो यहाँ आ जाएंगे, देखिए प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड कलर फिल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल की प्रेस करते हुए किसी भी दूसरे कलर पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गया और हम फिल कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर हम मुझे अपना कलर बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आपको आना पड़ेगा कलर के पैनल में, ठीक है। कलर के पैनल में आके आप अपना कोई भी कलर यहाँ से बना सकते हो, लाइक मुझे ये वाला कलर चाहिए। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये टेम्परेली है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगा फोरग्राउंड कलर में या बैकग्राउंड कलर में, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो जाता है। यहाँ से भी आप कोई भी कलर, लाइक ये वाला कलर मैं चाहता हूँ, और इस वाले कलर को अगर मुझे टेम्परेली यहाँ लाना है तो ये देखिए एरो, इसमें मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे टेम्परेली आ जाता है, पर ये टेम्परेली आया है। अगर मुझे इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर मुझे इसको सेव ही करना है तो पहले तो मैं ये करूंगा कि कंट्रोल कॉमा करूंगा इस तरह से ऐसे, और मुझे सेव करना है लाइक मुझे कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा और उसमें सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पे कोई ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे आपको कुछ आइकन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पैलेट्स, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये अंदर चला जाता है। आप यहाँ से नेम दे सकते हो लाइक माई कलर, ठीक है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपका कलर का नेम भी आप रख सकते हो या कलर कोड भी रख सकते हो, लाइक मुझे ये वाला कलर यहाँ सेव करना है, और अगर मैं डबल क्लिक करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मिलता है इस कलर का कोड HTML नोटेशन, ठीक है जी। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ सो अब चाहो तो आप अपना यहाँ पे कलर को नेम दे सकते हो, पर उससे पहले आपको कलर को सेव करना पड़ेगा। तो कलर को सेव करने के लिए इस आइकन में आ जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा कलर आ गया, ठीक है जी। अब मुझे इस कलर का नेम देना है तो देखिए मैंने जो अभी कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर, ठीक है जी, ये सेव हो गया है। और मैं अगर वापस जाऊं तो ये देखिए माय कलर में एक कलर अभी सेव है, डबल क्लिक करूंगा इसके अंदर जाऊंगा तो ये देखिए ये है जी हमारा कलर। सो अगर बड़ा छोटा करना है तो इन बटन से जूम आउट जूम इन कर सकते हो, पर अभी एक ही कलर है इसलिए अभी जूम इन जूम आउट नहीं होगा। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई इमेज दी है या फिर किसी इमेज से आपको कोई कलर पसंद आया है, वो कलर का पैलेट आप या फिर उन कलर का ग्रुप बनाकर आप अगर सेव करना चाहते हो तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ पे एक इमेज है लाइक ये वाला इमेज, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब मैं ये चाहता हूँ कि जी इसमें जो कलर है वो मुझे चाहिए और वो मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए या तो ये करेंगे कि यहाँ पे आ जाए कलर पिकर में, ठीक है, और यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ये फोरग्राउंड में आ गया, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, क्रिएट ए न्यू एंट्री, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये आ गया यहाँ पे। आप चाहो तो अब इसका नेम दे सकते हो, ठीक है जी, डबल क्लिक करेंगे यहाँ जाएंगे इसको कॉपी करेंगे एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, याद रखिए इस कलर को सेलेक्ट करना है, ठीक है जी, पैलेट्स को, और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो ये देखिए जी इसका कलर का या तो नेम भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है ये कोड आपको पेस्ट ही करना है, नेम भी दे सकते हो। तो ये देखिए ये वाला कलर और ये वाला कलर, ठीक है जी। उसी तरह से आपको कोई और कलर पसंद आ रहा है लाइक ये वाला कलर तो या ये वाला ले लेते हैं, ठीक है जी, और यहाँ क्लिक करेंगे देखिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है जी, अब जितने ज्यादा कलर को लेंगे उतना ही ये जूम इन जूम आउट होगा कुछ इस तरह से। और अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे जूम ऑल हो जाएगा, ये सारे एक साथ बड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है कि अगर किसी कलर को आपने सेलेक्ट किया है उसको जूम करके देखना है तो वो जूम होगा, ठीक है।
आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। सो और भी कलर अगर सेव करना चाहें तो एक तरीका और है कि अगर आप यहाँ पे कलर पिकर नहीं लेना चाहते हो तो ये कर सकते हैं, या तो कलर के यहाँ पे भी आपको कलर पिकर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कोई कलर पिक करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ये वाला कलर ले लिया, ठीक है, यहाँ से कलर के कोड को कॉपी कर लेंगे। अब आ जाएंगे जी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट भी कर देंगे। तो ये लीजिए एक और कलर शामिल हो गया हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे चार कलर दिखा रहा है माय कलर में, तो मैं ये कर रहा हूँ कि डबल क्लिक करके मैं वापस ग्रुप के अंदर जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, डिलीट करना है, लाइक मुझे ये वाला कलर डिलीट करना है, सेलेक्ट करेंगे या क्रॉस के बटन में क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाता है। अगर आपके ग्रुप को ही डिलीट करना है तो हाँ, ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपका ग्रुप डिलीट होने से पहले कुछ पूछेगा, डिलीट कर दीजिए, डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हो। तो आई होप कि आज का कलर पैलेट का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर पाचा मैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले गेम के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।